अब खबरें विस्तार से। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती के राहुल गांधी पर दिए विवादित बयान पर कांग्रेस पार्टी ने कड़ा एतराज जताया है। हमीरपुर कांग्रेस ने प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल की अगुवाई में गांधी चौक पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है और पुतला जलाया। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सत्ती के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और भाजपा और सत्ती से माफी मांगने के लिए भी मांग की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने राहुल गांधी के ऊपर दिए अपने विवादित बयान पर कांग्रेस पार्टी ने कड़ा एतराज जताया है। हमीरपुर कांग्रेस ने प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल और जिला अध्यक्ष नरेश ठाकुर की अगुवाई में गांधी चौक पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और पुतला जलाया। इस अवसर पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सतपाल सत्ती के खिलाफ नारेबाजी की और सत्ती के साथ साथ भाजपा से भी माफी मांगने की मांग की। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश ठाकुर, वरिष्ठ नेता अनिल वर्मा, जिला उपाध्यक्ष सुमन भारती के अलावा कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने सतपाल सत्ती के बयान पर कहा कि सत्ती आज के समय में अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और कहा कि सत्ती की जनसभाओं का वीडियो सभी के पास उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि सत्ती किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त लगते हैं क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे कि क्या वे कह रहे हैं और कहां क्या कहना है। उन्होंने कहा कि सामाजिक संस्था राधा स्वामी के लिए भी जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो अशोभनीय हैं। मैं अभी आपको वीडियो दिखा सकता हूं उनका, मेरे पास वीडियो है और बीबीसी ने उस वीडियो को चलाया है, जो वर्ल्ड का एक न्यूज चैनल है उसने इसको चलाया है, वो वीडियो मेरे पास है, कोई तोड़ मरोड़ के पेश नहीं कर रहे। और एक और बहुत बड़ी बात, ये या तो सतपाल सत्ती अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं या किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं, समझ नहीं आ रहा है इनको ये बोल कह रहे हैं। महात्मा गांधी के विषय में इन्होंने अभद्र टिप्पणियाँ की थी, प्रियंका गांधी के विषय में इन्होंने अभद्र टिप्पणियाँ की, और हमारा एक बहुत बड़ी और ऐसी समाज को समर्पित संस्था है राधा स्वामी संस्था, जिसके लाखों की तादाद में फॉलोअर्स हैं और जो जिस संस्था चैरिटी के लिए भी जानी जाती है और हज़ारों लोगों की आस्था, लाखों लोगों की आस्था उस संस्था के साथ है, उस विचारधारा के साथ है, उसको भी जिस तरीके से, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उनके प्रति भी किया कि चुनाव महंगे हो गए हैं और जब चुनाव आते हैं तो राधा स्वामी भी जो हैं वो भी कहते हैं दे जाओ, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मैं समझता हूँ को पागल व्यक्ति कर सकता है जिसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से खराब हो गया हो, जो किसी मनोरोग से ग्रस्त हो, वही इस तरह की भाषा और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है। कोई स्वस्थ व्यक्ति और कोई स्वस्थ राजनीति करने वाली राजनीतिक पार्टी और उसके नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे राजनीतिक दल के रूप में आगे बढ़ रही है जो भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता को जैसे तहस नहस करने का इन्होंने कोई बीड़ा उठा के रखा है। हिंदुस्तान को, भारतवर्ष को एक सभ्य समाज के रूप में देखा जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में वो ऊपर से लेकर नीचे तक, चाहे आप प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा हुआ करती थी। प्रधानमंत्री कहाँ, इस देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू रहे, लाल बहादुर शास्त्री रहे, इंदिरा जी रहीं, नरसिम्हा राव रहे, वाजपेयी जी रहे, क्या उनका बातचीत का स्तर था? कभी विरोधियों के विषय में कभी कोई छोटी मोटी टिप्पणी करते थे, बड़ी शालीनता से करते थे, लेकिन आज जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मोदी जी करते हैं, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल अमित शाह जी करते हैं और दूसरे इनके नेता करते हैं, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हिमाचल प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं उन्होंने तो सारी सीमाएँ लांघ दी, सारी सीमाएँ पार कर दी, और ये ना केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, अब तो मैं समझता हूँ कि ये राजनीति को एक ऐसी दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं जिसमें ना कहीं आपसी भाईचारा होगा, ना एक दूसरे के प्रति मान सम्मान होगा, सिर्फ गुंडागर्दी होगी। एक ऐसी राजनीति की परंपरा जो है वो शुरू कर रहे हैं जिसमें गाली गलौच होगी। इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने कहा कि सतपाल सत्ती के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग बहुत ही घटिया है और एक और तो पार्टी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही है वो निंदनीय है। पहले जिस तरह से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती जी ने, जो हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं,
उनके लिए अपमानजनक जो शब्द और शब्दों का जो प्रयोग किया गया वो बहुत ही निंदनीय था। और इससे पता चलता है कि भाजपा के जो एक संकीर्ण सोच है और जो उनकी मानसिकता है वो कितनी घटिया है। एक तरफ तो वो संस्कारों की बातें करती है, हिंदू धर्म निरपेक्ष की बात करते हैं, परंतु आज उनकी जो जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है उन शब्दों से पता चलता है कि उनकी जो सोच है, जो उनके जो मानसिकता है वो कितनी घटिया है। जहाँ तक कि क्योंकि जो भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है परंतु उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो इस तरह से जो कड़े शब्दों का जो प्रयोग कर रहे हैं और इतने अपमानजनक जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं ये बहुत निंदनीय है। और हम जिस तरह से उन्होंने हाल ही में साथ में ही जो राधा स्वामी हैं उनके ऊपर भी टिप्पणी की, और ये जो एक टिप्पणियाँ हैं राधा स्वामी जी के ऊपर और राहुल गांधी जी के ऊपर टिप्पणियाँ जो हैं ये बहुत ही इनकी हम कड़ी निंदा करते हैं और विरोध करते हैं। और इस तरह से हम साथ साथ में ही प्रदेश अध्यक्ष से ये भी मांग करते हैं कि वो सार्वजनिक तौर पे माफ़ी मांगें, जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया उसकी माफ़ी मांगें, नहीं तो कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से उनका हर जगह जो है विरोध प्रदर्शन करेगी।